अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ राना तलहा और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल और ऑफिशियल पेज राना तलहा। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रकबे के ऊपर गंदम की कटाई किस तरह होती है। तीन चार सोर्सेज हैं, वो आप मशीन लगी हुई देख रहे हैं, वो देख लें, ये बैक पे मशीन लगी हुई है, इसको हार्वेस्टर मशीन कहते हैं। इसके ज़रिए गंदम की कटाई होती है बड़ी फास्टली। जितना काम लोग हाथों से करते थे, एक दो तीन चार पाँच दिन लगाते थे, चंद घंटों के अंदर ये 10-10 किले, जो एकड़ भी जिसको कहा जाता है, उसको बिल्कुल कंप्लीट कर देती है। और बहुत फास्ट मशीन है। और इसके बाद ये जो नीचे आप देख सकते हैं ये भूसा वगैरह है, इसको ये निकाल देती है। इसके बाद एक चैपर मशीन लगती है, वो इसके अंदर से दाने होते हैं उसको भी सेपरेट कर देती है और इसको बिल्कुल तूड़ी की शेप में बिल्कुल कम्प्लीट कर देती है। ये एक तूड़ी साइड पर कर देती है। और वो मशीन जो है वो हार्वेस्टर मशीन है, जिसके ज़रिए ईज़िली आसानी के साथ गंदम की कटाई हो जाती है। चल रही है और बड़ी ज़बरदस्त चलती है। मीन्स के ये इसका स्पेशलिटी ये है कि अगर गंदम गिरी भी पड़ी है ना, जैसे तेज़ हवाएं आती हैं गंदम गिर जाती है, तो ये उसको भी उठा लेती है बहुत ईजीली आसानी के साथ। ये उसको उठाती रहती है, अगर किसी ने काट के ढेर निकाल दिया तो ये उसको उठा दी, उसको उठा कर उसके साथ डालने उसके टैंक में जमा हो लेंगे और वो भूसा फास्ट हो गया। जी ये मशीन है, मॉडल्स हैं और इसको हार्वेस्टर मशीन कहते हैं। और आप देख सकते हैं ये इसका आ गया जी, किसी और अंदाज में निकालते हैं। अब ये देखें, जैसे इसकी कटिंग हो रही थी, अब यहाँ से इसकी सारी गंदम उसके उस टैंक के अंदर जमा हो जाती है और ये अब इसके अंदर से गिर रही है। ये देखें, ये एक बड़ी जदीद और अच्छी मशीन है। इसके मुख्तलिफ मॉडल्स होते हैं जिसकी स्पीड में और उसकी परफॉर्मेंस में फ़र्क आता है। जितना अच्छा मॉडल होगा उतने अच्छी इसकी परफॉर्मेंस होगी। अब ये देखें, ये गंदम यहाँ से निकल रही है, ये यहाँ से, इसको हार्वेस्टर मशीन कहते हैं। चलती रहती है गंदम, चाहे नीचे गिरी भी हुई हो, जो लोग हाथ से काटते थे, अब ये मशीन खुद ब खुद काटती है और उसके उस टैंक के अंदर जमा हो जाती है। उसके बाद होता ही है कि उसके पीछे से ये सारा भूसा, जिसको कह लें तूड़ी कह लें, ये वो निकलता रहता है। फिर इसके ऊपर एक और मशीन लगेगी जो इसको बिल्कुल तूड़ी की सूरत के अंदर ले आएगी। और ये गंदम देखें जी, ये यहाँ पे इकट्ठी जमा हो रही है गंदम। इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा काम आसान हो गया है। जहाँ पे 5-6 दिन 7 दिन लग जाते थे हाथ से कटवाई करने में और फिर उसकी तूड़ी निकलवाने में, ये चंद घंटों के अंदर इसके काम को कम्प्लीट कर देती है। देख सकते हैं मशीन के अंदर ऑपरेटर होता है और 15 फुट का इसका वो ब्लेड है जो इसकी जो कटिंग करता है। मशीन की प्राइस मुख्तलिफ है और यूज़ मशीन जो है 50-60-70-80 लाख से लेके और न्यू तक 1.5 करोड़ तक ये मशीन जाती है। यानी इतनी एक्सपेंसिव मशीन होती है ये। उस टैंक के अंदर तकरीबन 100 मन से ज़्यादा गंदम आ जाती है।